हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे पितृपक्ष की कथा। जोगे और भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे गरीब था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत घमंड था, परंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगेगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भी भोगे की पत्नी सुबह सवेरे काम करने में जुट गई। उसने रसोई की तैयारी, अनेक प्रकार के पकवान भी बनाए, सभी काम टाइम से करके अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही वह दोपहर हो गई, पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आ गया। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अघियारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो दो टाइम की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी हुई है, उससे जाकर खोलो और जो कुछ मिले मील बाँट कर खा लेना। वहाँ बच्चे पहुँच कर क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है, धन दौलत से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। तो भक्तगण, ये थी जोगे और भोगे की पितृपक्ष की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।